लास्ट स्टोरी में मैं मस्ती कर रहा था, इसको सीरियसली नहीं लेना, फिर ये लफड़ा ही लफड़ा चालू हो जाएगा। मैं उसके बॉडी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, एक्चुअली मुझे तो उसके हाइट का मजाक। सो दोस्तों ये क्या चलने लगा, यहाँ हम लोग कुछ और चीजों में फंसे हुए हैं और यहाँ पे आशीष चंचलानी और हर्ष पेनीवाल ने लफड़ा चालू कर दिया है हम जैसे क्रिएटर्स को कंटेंट देने के लिए। दरअसल आशीष चंचलानी ने एक स्टोरी लगाई थी ये वाली, जिसको लेकर उन्होंने कुछ ये बोला था। गाइस लास्ट स्टोरी में मैं मस्ती कर रहा था, इसको सीरियसली नहीं लेना, फिर ये लफड़ा चालू हो जाएगा। मैं उसके बॉडी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, एक्चुअली मुझे तो उसके हाइट का मजाक उड़ाना। सो इसी के ऊपर हर्ष बेनीवाल ने भी उन्हें रिप्लाई करते हुए स्टोरी पे स्टोरी लगाई और उन्हें उनकी बात पे जवाब देने लगे और रोस्ट करने लगे। तो दोनों लोग एक दूसरे को स्टोरी स्टोरी के लगा के खूब रोस्ट किए हैं, देखिए वो वीडियो। हर्ष बहुत अच्छा जोक था, लेकिन तूने ये जोक भी कॉपी कर दिया तन्मय भट्ट से। हर्ष इतना बड़ा देशभक्त है, इतना बड़ा देशभक्त है कि रिपब्लिक डे के नेक्स्ट दिन पे ही हर्ष ने फॉरेन क्रिएटर्स को छोड़ के इंडियन क्रिएटर से कॉपी करना शुरू कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ उठ के पहले आशीष चंचलानी की वीडियो देख लेता हूँ थोड़ी सी। अबे किसने फ्लश कर दिए, अब कैसे देखूंगा। गाइज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आशीष प्रेजिंग अदर एक्टर एंड मूवीज एंड अ चाइल्ड लिकिंग एन आइसक्रीम। बच्चे चाटते हुए अच्छे लगते हैं, आप नहीं। देन आशीष भाई ने लास्ट में क्लियर किया कि ऐसा उन लोगों के बीच चलता रहता है, तो कोई गलत वे में ना ले इसको। गाइज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम एक्चुअली मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। हर्ष और मैं जो भी हम दोनों को 2016-15 से फॉलो करते वो जानते हैं बात कि वो और मैं हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते, ट्विटर पे भी ये चलता रहता था, ये हमारी प्रथा है, हम मिलते हैं और बहुत हंसते हैं। तो प्लीज़ कोई भी फैन टॉक्सिसिटी मत फैलाना, जो भी नए लोग आए हैं उनको हम बताना चाहते हैं दोनों भाई ये और ये एक बैंटर चल रहा है और ये आगे भी चलेगा यार, अगर आपको मज़ा आया तो वी लव ईच अदर अ लॉट एंड आपको चाहिए तो इन पर्सन हर्ष और मैं एक रोस्ट प्लान करेंगे एक दूसरे का। सबका क्या कहना है इस क्यूट फाइट को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन जय हिंद मातरम, गुड बाय।